डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। इससे पहले हम समस्त लोगों ने उन सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का के विषय में चर्चा की थी जिसमें रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव थी और असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव या निगेटिव था। आज जो हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं उसमें रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। यहां पर देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से किस नियम के आधार पर हमको इनडायरेक्ट बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, पहला इसको रूल समझ लीजिए, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्ट में बदलते हैं। पिछले में हमने उस वीडियो में मैंने बताया था जब असर्टिव सेंटेंस होता था तो मैं वहां पर सेड टू को टोल्ड में, लेकिन यहां पर सेड टू को आस्ट में बदल देते हैं। कॉमाज तथा इनवर्टेड कॉमाज को हटाकर उसके स्थान पर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में इतना काम करने के बाद में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव है और जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो उस इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में तथा यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो उसे निगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब मुख्य रूप से रूल मैंने वन डाला है और वन रूल के अंतर्गत मैंने सारी बात आपको बता दी, लेकिन इतना बनाने के बावजूद भी, काम करने के बावजूद ही हमारे दिमाग में बात हमेशा बनी रहे कि इसमें भी जो टेंस की चेंजिंग होती है वो ठीक हमने जो पहले आपको वीडियोज में बताए थे ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस इंडिफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात टेंस का परिवर्तन भी बराबर पिछले जो आपके रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। इस बात को भी हमको अपने दिमाग में बना करके ही सेंटेंस बनाना होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया, गोपाल सेड टू
मुकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आर यू ए वेजिटेरियन। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमने यहां पर देखा कि इस सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सीधे सीधे ये सेंटेंस जो है आर यू ए वेजिटेरियन ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर एस या नो में दिया जा सकता है। इसलिए जब ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। गोपाल सेट टू के स्थान पर ऊपर लिख दिया गया आस्ड, गोपाल आस्ड मुकेश कंजंक्शन इफ इफ, और ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, अर्थात इफ के बाद में सीधे हम प्रोनाउन लाएंगे यहां पर, और वो भी यहां पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। पहले वीडियो पर आप विचार करें, मैंने सीधे बताया था सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है अर्थात ये सीधे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा इफ ही वाज अ वेजिटेरियन। ध्यान रहे इनडायरेक्ट बनाने के बाद में फिर हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, यानी यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहां पर हमने जब बनाया तो लास्ट में ये फुल स्टॉप लगेगा, इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। ये पहला आपका एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल फिर देखिए, एग्जांपल नंबर टू, रचना शेड टू गोपी कॉमा इन्वर्टेड का मीन्स डू यू नॉट हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, पुनः वही बात, सेड टू को हमने आस्ड में कन्वर्ट कर दिया और यहां कंजंक्शन का प्रयोग भी हम करेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब यहां पर सीधे डू नॉट आ गया। डू नॉट आने के लिए हम जानते हैं डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जब हम इस सेंटेंस का जो वर्ब चेंज करेंगे तो डू नॉट के बजाय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात हम इसको बनाएंगे तो डू नॉट के स्थान पर डिड नॉट हो जाएगा। साथ ही साथ प्रोनाउन की बात जब करेंगे तो हम देखते हैं यहां पर यू लिखा है, यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पुनः गोपी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और यहां पर मी लिखा है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और ये सीधे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अर्थात रचना के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था प्रत्येक नाम वो हमारा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए यहां पर रचना के हिसाब से हम हर का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ये रहेगा, रचना आस्ड गोपी इफ। एक ही ध्यान रहे यहां पर गोपी फेमिनिन जेंडर में है, ये भी ध्यान रहना है कि गोपी नाम मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों में हो सकता है, तो यहां पर हमने इसको फेमिनिन जेंडर के रूप में रखा है, इसलिए यहां पर लिखेंगे गोपी इफ शी और डू नॉट कन्वर्ट्स इनटू डिड नॉट हेल्प मी रचना के अकॉर्डिंग, और यहां पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए इसमें हम रचना के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर हो जाएगा।
इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बना। अब एक एग्जांपल और, उस एग्जांपल में भी हमको पुनः ध्यान देना है कि जब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव था, यदि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होता तो भी, यदि हमारा वो सेंटेंस निगेटिव ना होता तो चेंजिंग कैसी आती, बहुत माइनर बात है, माई मदर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड लगिंस डू यू रीड योर लेसन डेली, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, योर लेसन डेली, अपने पाठ को प्रतिदिन, क्या तुम अपने पाठ को प्रतिदिन पढ़ते हो। अब यहां पर देखिए, सीधा सीधा जब इसको बनाएंगे तो हम माई मदर के स्थान पर हम माई मदर ही लिखेंगे, लेकिन सेट टू के स्थान पर हम आस्ड का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा सेंटेंस बनेगा माई मदर asked me if, you second person है, पुनः ध्यान दीजिए, अब मी के हिसाब से यहां पर ये नॉमिनेटिव केस हमारा है, सब्जेक्टिव केस हमारा है, इसलिए मी का सब्जेक्ट हमारा होता है आई, इफ आई, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में बदल जाएगा। और जब आप अनुवाद बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब मैंने जो सेंटेंस लिख दिया, इस सेंटेंस में मैंने वर्ब रीड का प्रयोग किया, रीड की फॉर्म जाती है रीड रेड राइट, यानी इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो भी राइट पढ़ते हैं, लेकिन रियल में स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए लिखेंगे इफ आई राइट। ये हमको ध्यान रहना चाहिए कि सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ना कि फर्स्ट फॉर्म का। योर सेकेंड पर्सन है, पुनः मी के हिसाब से चेंज करेंगे इसको भी, और ये यहां पर पजेसिव केस है, इसलिए आप लिखेंगे री रेड माय लेसन डेली। एक एग्जांपल और, योर फादर सेड टू यू हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स, अब इस सेंटेंस को भी देखेंगे, यहां पर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है, अर्थात जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी इसका इनडायरेक्ट बनेगा Your father asked you if, पुनः वही कंडीशन, सेकेंड पर्सन था, if you had completed योर वर्क, योर कोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तक तो हमने ये फोर एग्जाम्पल्स दिए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ह्यूमन
सेड टू राम कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए सेंटेंस में अभी तक जितने भी हमने नरेशंस बनाए हैं सभी की बातें इन सेंटेंसेस में आ रही हैं, बस केवल आप इसको ठीक से समझते जाइए। यहां पर भी इंडायरेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे सुमन आस्ड राम इफ। अब ये सेकेंड पर्सन था, राम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ और राम के हिसाब से यहां हो गया इफ ही। कैन का पास्ट कुड होता है। मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, अर्थात दिस कन्वर्ट इनटू दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, चमन सेड टू केतकी विल यू टेल मी वेयर योर फ्रेंड गोज डेली। अब इस सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पुनः हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चमन आस्ट केतकी इफ यू सेकेंड पर्सन है और यहां पर ये केतकी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, केतकी हमारा फीमेल जेंडर है इसलिए लिखेंगे इफ शी विल कन्वर्ट इनटू वुड, इफ शी वुड टेल मी, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात चमन के हिसाब से यहां पर हम लाएंगे और चमन के हिसाब से थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस अर्थात टेल हिम वेयर योर सेकेंड पर्सन है, केतकी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हो जाएगा हर फ्रेंड वेंट डेली। अब केवल इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको भी पहले बताया है कि सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर एस या नो में भी दिया जा सकता है, अर्थात जब एस और नो की बात आती है तो हम देखिए कैसे बनाएंगे। पुनः ध्यान दीजिए, राकेश सेड टू गीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस विल यू गो टू फेयर विद योर फ्रेंड फुल स्टॉप। आगे लिखा हुआ है गीता शेड कॉमन रुडवा मीन्स नो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में रियल में दो सेंटेंस हैं और दोनों का संबंध एक ही सेंटेंस से है। अब देखिए
किस प्रकार से सेंटेंस में दो सेंटेंस मिक्स हैं, लेकिन फिर भी बनाने का तरीका क्या रहेगा। अब इसको लिखेंगे राकेश आस्क्ड गीता इफ यू, सेकेंड पर्सन है गीता अकॉर्डिंग ही वुड गो टू फेयर विद योर, सेकेंड पर्सन था गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा विद हर फ्रेंड। अब आगे वो लिखेंगे, अब ये सेंटेंस हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। यहां पर लिखा है गीता सेड नो, तो इसका आंसर लिखेंगे गीता रिप्लाइड इन निगेटिव। अब यहां पर हमको ध्यान रखना है कि ये बनाने का एक अपना तरीका है। हम चाहे तो यहां पर गीता रिप्लाइड इन निगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि नो है, लेकिन चाहे तो हम ये भी लिख सकते थे यहां पर गीता रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट गो, यानी इसको दूसरे तरीके से भी हम नीचे लिख देते हैं। एक इसमें थोड़ी मिसिंग हो गई, यहां पर सेकेंड पर्सन है गीता के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे, तो यहां पर सी लिखा जाना चाहिए जो गीता फेमिनिन जेंडर में है, इसलिए यहां पर लिखेंगे सी। दूसरा तरीका इसी का जो बनेगा, हम इस प्रकार से लिखेंगे राकेश आस्क्ड गीता इफ शी वुड गो टू फेयर विद हर फ्रेंड। बट गीता रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट गो। इस प्रकार से भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। यहां पर मैंने चीज बट जोड़ दिया, यदि हम चाहे तो यहां पर बट लिखे या न चाहे तो हम बट को कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये नो वाला है, इसी में एक और भी बात आती है सेंटेंस में जिसमें कहते हैं एस, मैंने उस काम को स्वीकारात्मक बात कहना, तो वहां पर जहां हम लिखते हैं रिप्लाइड इन निगेटिव वहां पर हम लिख सकते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या गीता रिप्लाइड दैट सी वुड नॉट गो वहां पर लिखते हैं दैट सी वुड गो, बस इतना ही लिखते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अलग से बात नहीं होती है। अब हमने आपको उन सेंटेंस को बताया है जिसमें सहायक क्रिया, यानी मैंने अभी आपको कहा था इज आई एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड विल, यानी इन वाक्यों से जब सेंटेंस शुरू होता था तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनती थी। अब हम ऐसे सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने की बात आपको बताने जा रहे हैं जिसकी रिपोर्टेड स्पीच की जिसमें शुरुआत WH से होती है। अब इसके लिए लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ WH टाइप वर्ड से हो तो कंजंक्शंस इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस बात को एग्जाम्पल के रूप में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सेंटेंस लिख दिया योर अंकल सेड टू यू,
कॉमा इन्वर्टेड का बिगिंस हु ब्रोक दिस जग। अब यहां पर ये इंट्रागेटिव वाक्य है लेकिन इंट्रागेटिव के साथ में डब्ल्यू से प्रारंभ है इसलिए हम यहां पर, और दूसरी बात और भी है, हु ब्रोक दिस जग ये इंट्रागेटिव है और इसमें जानकारी ली गई है तो हम यहां पर इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। वैसे सामान्यतया हम सेट टू को सीधे सीधे आस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और यहां पर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, डब्ल्यू एच वाला यानी ये शब्द ही हमारा कंजंक्शन का कार्य करने लगता है। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, योर अंकल आस्ड यू हु हैड ब्रोकन दिस का डाइट। अब हमको यहां पर ध्यान रखना है ये हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव है और ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इसीलिए यहां पर हैड ब्रोकन का प्रयोग कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, सची सेड टू रामू वेयर डू यू गो विद योर फ्रेंड। अब जब इस सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो भी हम बिल्कुल ठीक ऊपर वाली कंडीशन ही ले जाएंगे, यानी लिखेंगे सची आस्ड रामू व्हेयर। अब डू यू गो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव है, वहां पर लिखेंगे व्हेयर ही वेंट विद हिज फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए जितने भी सेंटेंस हैं इसमें ज्यादातर एक सेंटेंस है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक सेंटेंस मिले हुए होते हैं तो अगला सेंटेंस भी देखिए, द मैनेजर सेड टू द स्ट्रेंजर कॉमा इन्वर्टेड का मीन्स हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। अब यहां पर देखिए एक में दो जुड़े हुए सेंटेंस लेकिन फिर भी बनाने के तरीके में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना तो हमको ये लगना है कि कोई सेंटेंस बहुत ही डिफिकल्ट है, वेरी इजी सेंटेंस है। इसको बनाएंगे द मैनेजर आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु, अब यहां पर हु आर यू मैंने बताया था इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में कन्वर्ट होता है अर्थात हु ही वाज एंड व्हाट, अब लिखा है व्हाट डू यू वांट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में आएगा व्हाट ही वांटेड। वन मोर एग्जांपल, द टीचर सेड
टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए इस सेंटेंस में भी कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई। अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए लिखेंगे दे। व्हाई दे आर मेकिंग अ नॉइज और लास्ट में पुलिस स्टॉप लगाएंगे। इस प्रकार से यहां पर एक मिसिंग हो रही है, सही करें, लिखा है व्हाई दे आर, नो, यहां पर ये आपका कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, इसलिए यहां सुधार कर लें। व्हाई दे वर मेकिंग ए नॉइज। और इस प्रकार से सेंटेंस के साथ में ही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो कार्यक्रम था वो पूर्ण हो गया है। इस सेंटेंस के पूरे होने के बाद में आपको ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जब तक वो केवल इस वीडियो को देखेंगे तब तक वास्तव में वो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है इस बात को क्लियर नहीं कर सकते। मैंने बताया था इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसी विधा है जो थोड़ी टिपिकल है, और इस बात को समझने के लिए यदि आप प्रारंभ से लेकर के अर्थात जितने भी मैंने आपको वीडियो इन सेंटेंस के दिए हैं, यानी अफर्मेटिव के दिए हैं, इंटरोगेटिव के दिए हैं, यस या नो के दिए हैं, यदि आपने उन सभी वीडियोज को एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से देखा तो निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले और वीडियो आपको बेहतर आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे आप इस विषय से बेहतर नंबर पाकर के लाभान्वित होंगे। मैं ये भी चाहता हूं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, तथा यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में ही आप मेरा अगला वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।